आज रिश्ता में हमारे साथ बातचीत के लिए हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी जैसी आधुनिक भाषाओं के तथा फारसी, संस्कृत जैसी क्लासिकल भाषाओं के तथा उसके साहित्य के गहन अध्येता और तीक्ष्ण सिद्धांतकार प्रोफेसर वागीश शुक्ल हैं। आईआईटी दिल्ली में आप गणित के प्रोफेसर थे, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो साहित्यिक रुचि है उसमें आपातः दुर्घट दिखने वाले तत्वों का एक साथ समावेश और संयोग दिखाई पड़ता है। हिंदी आलोचना में आपकी उपस्थिति अत्यंत गौरवपूर्ण मानी जाती है, आपकी आलोचना का बहुत महत्व माना जाता है, और उसका बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा हाथ ये है कि आप क्लासिकल भाषाओं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक साथ उन पर महारत रखते हैं, और इसके अतिरिक्त आधुनिक भाषाओं तथा उसके साहित्य पर भी उनको दस्तरस हासिल है। प्रोफेसर शुक्ल को स्टूडियो में पा करके हम अत्यंत हर्षित और गौरवान्वित हैं। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम आप से हमारा प्रश्न ये होगा कि जो आपके साहित्यिक व्यक्तित्व या वाङ्मय की जो सेवा है उसमें जितने प्रकार के तत्वों का दुर्घट संयोग जिसको कह सकते हैं, जिसका जो एक इम्पॉसिबल सा कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ता है, उसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी की आलोचना और उसके साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय और अपना जो कि आपका परिवेश जिसमें जिसके अंतर्गत ये सारे तत्व आपको मिल पाए, उर्दू, फारसी, संस्कृत के साथ इतने महत्वपूर्ण भाषा और साहित्य का जो संयोग दिखाई पड़ता है, उसके बारे में हमें बताएं। उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। मेरा जन्म एक साधारण निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ और एक बहुत छोटे कस्बे में हुआ। बस्ती ज़िले का मेरा जन्म है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। वहीं मैंने सारी प्रारंभिक शिक्षा विश्वविद्यालय के पहले की पूरी की। बारहवीं तक आपने पढ़ाई वहीं? हाँ, बारहवीं तक हमने वहीं पढ़ाई की, और यह कहा जा सकता है कि मैं अपने परिवार में अंग्रेजी स्कूल में जाने वाला पहला व्यक्ति हूँ। मतलब मेरे पिता के समय तक पारंपरिक संस्कृत की पढ़ाई उसी के माध्यम से अध्ययन होता जी। तो मेरे पिता संस्कृत के आचार्य थे, लेकिन विभिन्न कारणों से उन्होंने मुझे इसमें सामान्य जो स्कूली शिक्षा होती है उसके तहत शिक्षा दिलाई। तो इंटरमीडिएट में मैंने हाई स्कूल के बाद जो स्कूल चेंज किया जी, वो खैर इंटर कॉलेज हमारे यहाँ है एक जी, बस्ती में ही। बस्ती में ही जी। तो वहाँ मैं गया और उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया जी, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए। तो बीए में मेरा चॉइस जो था वो अंग्रेजी, संस्कृत और मैथमेटिक्स का था जी। मैं आर्ट साइड का स्टूडेंट हूँ, साइंस मैंने नहीं पढ़ी जी। उसका एक कारण यह भी है कि मेरे स्कूल में साइंस था ही नहीं। मतलब हम लोगों का छोटा स्कूल था जी। साइंस की शिक्षा के लिए थोड़ा अधिक व्यय करना पड़ता होगा या जो भी हो कारण। बहरहाल तो वहाँ पढ़ते समय मुझे यह महसूस हुआ कि मैं शायद साहित्य, मैंने संस्कृत, अंग्रेज़ी और इन सब चीज़ों को तो खुद भी पढ़ लूँगा कभी, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ होगी जो मैं स्वाध्याय से नहीं अर्जित कर सकता, उसके लिए मुझे बाकायदे विशेष यत्न करना, हाँ मतलब पेशे में ही घुसना पड़ेगा। वो
क्योंकि उसकी वर्टिकल ट्रेनिंग होती है। तो गणित में भी आपकी समान रुचि रही? हाँ, मतलब रुचि के नाते ही मैंने किया। संस्कृत में भी कर सकता था उस समय, कोई ऐसी बात नहीं थी। एक समय विचार आया भी था, लेकिन यही एक मतलब उसमें हम लोगों के समय में तो सबसे अधिक प्रेस्टीजियस अंग्रेजी में एमए करना होता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर से। लेकिन बहरहाल वो तो इसलिए मैंने मैथमेटिक्स को एक कैरियर के रूप में चुना। जहाँ तक आपका, तो वैसे औपचारिक शिक्षा मैंने संस्कृत की भी इसके आगे नहीं प्राप्त की, लेकिन पारिवारिक संस्कार मौजूद थे और घर में सारी किताबें थीं। पिताजी हमारे बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत में, संस्कृत के तो लगभग सारे उच्च स्तरीय ग्रंथ सभी विषयों के संस्कृत के हमारे घर में थे, तो वो मैं पढ़ता रहता था। और जहाँ तक उर्दू फारसी का आपने पूछा, तो ऐसा है कि बहुत लंबे अरसे तक तो मैंने लिपि का कोई अध्ययन, मतलब कोई शिक्षा मैंने प्राप्त की नहीं थी। जित प्रायः आपने देखा होगा कि हिंदी साहित्य में जिनकी भी थोड़ी बहुत रुचि होती है, वे निश्चित रूप से उर्दू साहित्य से परिचित भी होते हैं और उसमें आस्वाद भी उनका रहते हैं। तो उसी तरह से मैं भी ये पॉकेट बुक्स वगैरह में जो दीवाने गालिब और इस तरह के पुस्तकें मिलती थी, वो मैं पढ़ता रहता था। सामान्यतया जिस प्रकार हिंदी का अध्येता उर्दू से हाँ, शनासाई रखता है। करेक्ट करेक्ट वही जी। तो वही था, उसमें दिलचस्पी मेरी ज़रूर थी जी। बहुत बाद में कुछ संयोग ऐसा हुआ कि मैंने एक किताब देखी जिसमें कुछ ऐसे शेर थे गालिब के जी। जो दीवान गालिब जो हमारे हाथ में था जी। उसमें मौजूद नहीं थे जी। और पता लगा कि ये कोई हमीदिया नुस्खा है जिससे ये शेर लिए गए हैं। भोपाल, हाँ भोपाल थे वो। अच्छा, ये कब की बात है? ये तो बहुत बाद में, ये लेट 90s की। अच्छा, मतलब जब आप यहाँ IIT में? हाँ हाँ, IIT में रहे हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे। मैं करीब, मतलब मेरा 1946 का जन्म है, तो उस हिसाब से मैं मतलब 50 बरस तक पहुंच रहा था। अच्छा, उसके बाद आपने शुरू? हाँ, या उसके थोड़ा पहले मान लीजिए, लेकिन ऐसे ही है, उसी के आसपास। तो उसमें मैंने फिर ये मेरी जिज्ञासा हुई कि आखिर देखा जाए कि उसमें क्या है। वो शेर मुझे कुछ थोड़े से अलग भी लगे और अच्छे भी कह सकते हैं कि लगे, यद्यपि उनकी निंदा ही थी उस संकलन में। ऐसा लगता था कि मतलब ये बहुत ख़राब है, गालिब ने इसको काट दिया है, छपने नहीं दिया वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे उनमें दिलचस्पी जागृत हुई, तो जो कि राइज नुस्खों में जो अशार नहीं मिले। हाँ नहीं, वो प्रचलित दीवान में नहीं, मतलब हमारे हाथ में हिंदी का था, लेकिन ये मालूम था कि ये लगभग वही चीज़ है जो उर्दू में उपलब्ध है, तो वो उसमें थी नहीं। तो कुल मिला के मतलब इस किस्से को तो जितना ही बढ़ाया जाए उतना ही कम है, लेकिन फाइनली ये हुआ कि मुझे ये प्रोफेसर महमूद इलाही थे उर्दू डिपार्टमेंट के हेड, उस समय वो रिटायर हो चुके थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप लिपि सीख लीजिए। ये तो उन्होंने फिर मुझे एक छोटी सी किताब दी जिसमें मैंने, मतलब मुझमें इतनी पेशेंस नहीं थी कि मैं अलिब्बे से शुरू करता, तो मैंने किताब के पीछे से जो कुछ गज़लें दी थी उनको मिला जुला करके और किताब के पहले कुछ पन्नों में कि मिलावट के अक्षर कैसे लिखे जाते हैं ये सब जोड़ते जाते। तो जब गज़ल मान लीजिए पहली पंक्ति मुझे याद है मैंने जो पढ़ी, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, तो बाकी गज़ल तो मुझे याद थी, तो फिर मैंने अंदाज से किया, तो ये अभ्यास से ही हुआ। फिर जब मैंने थोड़ा बहुत देखना शुरू किया तो हर जगह ही एक वाक्य मिलता था कि गालिब पर बेदिल का बहुत असर है जी। लेकिन वो क्या है, कैसे है, ये सब कुछ पता नहीं चलता था, न ही उसमें इसके आगे कुछ दिया जाता था कि बेदिल कौन है जी। हाँ, तो वो भी मैंने फिर
कोशिश की, और मुझे तब तक ये लग गया था कि बिना फारसी जाने हुए जी आप गालिब को नहीं पढ़ सकते, उर्दू कलाम भी उर्दू के, हाँ जी हाँ, वो शब्दार्थ से काम नहीं चलता है, तो ये निश्चित हो गया था। वो इस्तिलाहात और नहीं उसने जो सारी वो बिल्कुल नहीं, जब तक आपको बैकग्राउंड हाँ फारसी के साहित्य की पहचान नहीं है तब तक आप उनके उर्दू साहित्य को भी नहीं पढ़ सकते। तो इस लिहाज से मैंने फिर, हमारे कुछ मित्रों ने मुझे एक डिक्शनरी खरीद दी स्टेन घास वाली, जी, और एक मैंने व्याकरण की किताब हासिल फारसी की हासिल की, हायर परिशियन ग्रामर, जी जो आजकल बड़ा कम दिखाई देती है, बहुत मोटी किताब है। खैर एनीवे, तो इसी व्याकरण की पुस्तक और इसी शब्दकोश की सहायता से और लिपि का जो मुझे परिचय हो गया था उसके भरोसे मैंने ये फारसी और उर्दू का साहित्य पढ़ना शुरू किया, और संयोग से, बहुत परिश्रम के बाद, लेकिन संयोग से ही कहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास बेदिल का पूरा साहित्य उपलब्ध हो गया, और उससे मैं बिल्कुल था। तो मैंने फिर मैंने देखा कि मतलब गालिब तो बहुत बड़ा शायर है, लेकिन फिर उस्ताद उस्ताद ही होता है, तो बेदिल के मतलब फिर मैं उससे प्रभावित हुआ और उनको भी पढ़ना शुरू किया। तो इस तरह से है। फिर थोड़ा बहुत जब ये साहित्य का परिचय हो गया, कुछ इंट्यूटिवली भी होता है, जैसे छंद एक ऐसी चीज है जिसका जी, बिल्कुल बिल्कुल आप वो छंद शास्त्र से नहीं आ सकता, हाँ, वो, गणों के गिनने से नहीं, हाँ, आ सकता। वो अंक गिनने से नहीं आता, वो आपके मन में, हाँ, जब उसका, तक वो संगीत अपने मन में फिट नहीं, हाँ, तब तक वो नहीं आता। तो उसके आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं उर्दू फारसी में, क्योंकि बहुत सारे निशान उसमें होते नहीं हैं, वो अनुमान से ही पढ़ना पड़ता है कि यहाँ पर क्या है। तो ऐसी चीज़ हाँ, है कि वजन अगर नहीं मालूम, दैट्स राइट, तो हाँ, तो आपने, हम पद्यात्मक साहित्य शायद नहीं ही पढ़ सकते, शुद्ध ही पढ़ेंगे नहीं, और कभी कभी शब्द का शुद्ध रूप क्या है यह भी उस पद्यात्मकता से ही पता लगता है, आदि आदि। तो इस तरह से धीरे धीरे पढ़ता गया, मतलब अभ्यास ही है। मैंने औपचारिक शिक्षा कोई नहीं प्राप्त की, और औपचारिक रूप से किसी पुस्तक से भी लिपिका या व्याकरण का या किसी चीज़ का ज्ञान नहीं प्राप्त किया। तो सर, आपके ग्रंथों के देखने से और आपके लेखन के देखने से ये लगता है कि कितना अधिक गहनता में आप उतर सके हैं उर्दू और फारसी में, केवल बाह्य स्वरूप के या कुछ दो चार जो अच्छी गजलें या शेर हैं वहाँ तक सीमित नहीं है, तो इतना गहन जो अध्ययन हो सका है उसमें समय कितना लगा और धैर्य की कितनी आवश्यकता थी, या उसमें इंसेंटिव्स क्या रहे? इंसेंटिव कोई नहीं है आस्वाद के अतिरिक्त, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था इसलिए पढ़ता था, और संतोष तब तक नहीं होता था जब तक वो चीज़ पूरी तरह से मन में बैठती नहीं थी, क्योंकि ये लगता था कि शब्दार्थ से आगे भी इसमें कुछ है, कुछ कहना चाहते हैं, कोई कहानी सुनना चाहते हैं। और बहुत बार जो है वो चीज़ें सिर्फ शब्दकोश से भी नहीं स्पष्ट होती, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग पूछने पर मतलब बताने में संकोच भी करते हैं, तो लेकिन वो धीरे धीरे मतलब परिश्रम से कुछ संदर्भ खोजने पर पुस्तकों से मिल जाता है, तो वो चीज़ जब समझ में आ जाती है तब पता लगता है कि इसका क्या अर्थ है। ये तो उन सारे संदर्भों को खोजने में अत्यंत परिश्रम, हाँ, करने, हाँ, मेहनत होती है, लेकिन जब तक वो स्पष्ट नहीं होता तब तक संतोष नहीं होता जी। तो आप यह कह सकते हैं कि उस वह संतोष ही उसका एक कारण था, मतलब ये मतलब कुछ परिश्रम से भी होता है, और एक संदेह आपके मन में बना रहना चाहिए काव्यार्थ तक वस्तुतः, हाँ, हम पहुंच पाए हैं है कि नहीं, ये हाँ, इंट्यूशन अगर, हाँ, के मन में है, हाँ, जो रसिक तो है उसके मन में वो निष्ठा, वो ईमानदारी होनी चाहिए कि हम वहां तक पहुंच गए, और उसके पहले संतुष्ट न हो पाना, न हो जाना, ये संभवतः। जी,
वो संतोष का ही होता है कि वो लगता है वो एक कमी सी महसूस होती है कि शायद नीलकंठ दीक्षित कहते हैं ज्ञानाभासेन तृप्तता, करेक्ट, ज्ञान का आभास मात्र हुआ उससे हम तृप्त हो गए कि नहीं यही होगा और आगे बढ़ गए। ऐसा तो हम हड़बड़ी में रहते हैं या तो हम उसको, या तो हमारे अंदर वो इंट्यूशन नहीं रहता है कि अभी जो कवि कहना चाह रहा है वो कम्युनिकेट नहीं हुआ है अभी तक, तो शायर का भाव। अच्छा सर, आपकी जो संस्कृत में गति है या हिंदी आलोचना में जो गति है वो भी इसी तरह से उतनी ही गहनता से, लगभग इसी तरह से है, लेकिन संस्कृत के या किसी में भी, जैसे कुछ संस्कृत वाले जो है तो अब व्याकरण मैंने उस तरह से तो नहीं पढ़ा जिस तरह से मैंने मेरे पिताजी पढ़ते थे या जिस तरह से उनको मालूम, वो एक ट्रेनिंग होती है, उसके बगैर जो है वो मतलब कुछ चीज़ें नहीं होती, फिर मेहनत आपको करनी पड़ती है, खोजना पड़ता है और उसी इंट्यूशन का है, लेकिन उसका जो उसका अलग मज़ा है जी, मतलब जी। अब आप 10 आदमी से पूछते हैं, कुछ विद्वानों से बह लेते हैं, धीरे धीरे वो समझ में आती है, दूसरे आयाम भी उसी प्रसंग में, दूसरे आयाम भी उसी प्रसंग में होते हैं, हालांकि धीरे धीरे ऐसे लोग मतलब बहुत कम होते जा रहे हैं जो जिनसे पूछा जा सके, जिनसे पूछा जा सके और जो प्रश्नों का सम्मान कर सके, जो प्रश्नों का सम्मान कर सके जी। तो गोल मोल कह करके डालने, हाँ मतलब इसको यूँ समझ लीजिए कि जो वो पढ़ाते आए हैं या जो वो करते आए हैं उसको कह करके ही, मतलब वो आपके प्रश्न पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि उनको पास एक जो उत्तर है जी 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 उसको जी जी आपके जी सामने प्रस्तुत करने पर जितनी उनकी रुचि होती है, उनकी दिलचस्पी इसमें नहीं होती कि आप जानना क्या चाहते हैं, बल्कि उनको जो मालूम है वो आपको बता देते हैं, ऐसा तो इस तरह की भी समस्याएं। सर, आप एक साथ हमजमान साइमल्टेनियसली श्री हर्ष के और बेदिल के दोनों की रमजगुशाई एक साथ करते हैं और एक साथ दोनों को समझने की चेष्टा करते हैं, उनमें जो दर्शन के आयाम हैं, नुआंसेस हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं, तो ये आपातः भिन्न भिन्न दीख पड़ने वाली चीज़ों में जो अभेद का दर्शन है, ये तो वस्तुतः बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, लेकिन वो कैसे सामान्यतया लोग ये प्रश्न पूछते हैं, अरे ये दोनों चीजें तो दो ध्रुव हैं, दोनों में आप कैसे इस तरह से कर पाते हैं? असल में इसमें कोई कोशिश उतनी नहीं है जितनी ये है कि चीज जो है साफ हो जाए। जैसे मैं आपको उस आर्टिकल के बारे में बताता हूँ जो मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है बेदिल और योग वासिष्ठ पर, तो उसका कारण केवल इतना है कि जैसे उसकी जो चर्चा ईरान में भी है और जो भी है तो जो कहानियाँ मतलब उसकी मसनवियों में हैं वो मुझे इसमें देखने को मिली। योग वासिष्ठ मैंने क्योंकि पहले से पढ़ रखा था तो मैंने देखा कि ये तो वही चीज़ है, फिर मैंने चीज़ों को मिलाया तो मैंने कहा कि वहाँ से ये तो यह स्पष्ट हो गया कि बिना योग वासिष्ठ सुने हुए कम से कम जी, जी। हम ये नहीं कहते कि वेदिल ने उसको पढ़ा होगा या कुछ भी, लेकिन कम से कम सुने हुए जी। सुना तो ज़रूर है, तो उसकी आत्मकथा में भी आता है चार उनसुर में कि वो मथुरा में जा कर के अपना साधुओं के प्रवचन सुनते रहते थे, तो वो जो प्रवचन सुनते रहते थे उसमें केवल अद्वैत का उपदेश ही नहीं होगा, कथाएं भी होंगी जी। तो वहीं से उन्होंने प्राप्त किया होगा, कहाँ से प्राप्त किया ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जी। लेकिन उसको उन्होंने शब्दशः प्रोड्यूस कर दिया है। इसी तरह से जैसे इरफान, उनकी बहुत बड़ी मसनवी है, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो गंगा अवतरण पर उनका एक पूरा स्वतंत्र उसको निकाल करके एक पुस्तक के रूप में देखा जा सकता है, उसमें एपिसोड है, वो एपिसोड है, करेक्ट। तो अब गंगा का उत्स कैसे हुआ, ये बाकी लोगों के गंगा मतलब गालिब ने भी लिखा है और लोगों ने भी गंगा पर नज़में लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, लेकिन उससे हाँ लेकिन ये उससे भिन्न है जी। ये उसका एक शास्त्रीय स्वरूप है कथा का भी, और उसमें जो सम्मान है उसका गंगा है। मतलब ये सिर्फ एक मंजर नहीं है जी, जी, ये मंजर कशी बस हाँ नहीं है,
और तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक गहन परिचय उस व्यक्ति का रखते हैं। तो जब आप शेर पर गौर करते हैं जी, और ये देखते हैं कि ये ट्विस्ट जी आपको फारसी के अन्य कवियों में नहीं मिलता, नहीं मिलता, तो फिर एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा होती है कि ये आखिर कहाँ से जी, जी। ये इवन जो मतलब साहस जैसी चीज़ें हैं जी, जी। कुछ कहें कि तो वह भी कहाँ से आता है जी, किस प्रकार के तत्व से आता है, किस तत्व से आया है वो, भाषा के लेवल पे साहस हो या भाषा के लेवल नहीं, विचार के लेवल पर। भाषा के लेवल पर तो भाषा तो शायद अनुगमन करता है। हाँ, भाषा अनुगमन करती है और भाषा के स्तर पर तो वो एक दूसरा किस्सा है कि वो किस तरह से मतलब बेरिल के जबान को हजी ने खराब ठहराया और वो फिर इधर से जैसे लोगों ने डिफेंड किया। वो भारतीय फारसी और ईरानी फारसी का आपसी झगड़ा है। आज भी ईरानी जो है वो जैसे शायरे आईने लेखक कहते हैं कुछ किसी भी तरह का विचित्र कॉम्बिनेशन बना दे। हाँ, करेक्ट। तो ये चीज़ जो है ये तो एक अलग मतलब सबके हिंदी वाली बात जो है वो थोड़ी दूसरी है, लेकिन बात कहने का जो साहस है उसमें जो ट्विस्ट लाने वाली बात है, हालांकि है वो भी कुल मिला करके सबके हिंदी से ही रिलेटेड। जैसे मान लीजिए बेदिल का एक ये शेर लेते हैं कि बगैर नफ ची इस बात में तमा कर रन, इस बात में तमा कर रन, तिलिस्मे हस्तिये माँ सख्त बातिल उफ्तादास। अरे वाह, एक तिलिस्मे हस्तिये माँ सख्त बातिल उफ्तादास, ये एक शेर है। तो अब ये चीज जो है ये सामान्यतया इसमें मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि चीज़ें कहाँ कहाँ से आ रही हैं जी, जी। तो अब ये नफ्य और इस बात जी, इसको आप तब तक इसको रिलेट करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा जो मतलब पहले इनकार करके और फिर इस्टेब्लिश करने वाला जो अब आप उद्वाप, हाँ, जो कलिमा में है जी 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 ला, हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ, पहले ला कहना फिर पहले ला कहना और फिर उसके बाद ये कहना कि ये है। तो अब ये सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बगैर निगेशन के इस बात हो ही नहीं सकता। तो ये एक फिलोसॉफिकल पॉइंट उसमें से निकाला इन्होंने कि यू हैव टू फर्स्ट निगेट एंड देन एस्टेब्लिश समथिंग। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये मेरी जो हस्ती है जी, ये एग्जिस्टेंस इट इज कमिंग आउट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, असतः सत जायते, हाँ, असत से सत का उत्पन्न हो रहा है, जो ट्रेडिशनली बौद्धों का स्टैंड माना है, हाँ, जो भी है मतलब। लेकिन ये एक उसमें चमत्कार, एक सिंपल सी बात जो हर आदमी करीब करीब उर्दू फारसी से साहित्य से जिसका परिचय है और नहीं भी परिचय है, अगर उसका इस्लाम से थोड़ा बहुत भी परिचय है तो उसको ये वाक्य मालूम है जी, जी, जी। लेकिन इसमें से यह तत्व उन्होंने निकाला कि अतत से तत्व का, असत से सत का जन्म होता है। यानी अब ये वाक्य आपको मिलेगा छांदोग्य उपनिषद में, असत या अव्याकृत से व्याकृत की, हाँ, करेक्ट। तो ये जो है ये चीज आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलेगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने मतलब बाकायदे छांदोग्य उपनिषद का टेक्स्ट पढ़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका संपर्क ऐसे लोगों से ज़रूर था जो इस तरह की बात करते थे। नहीं तो इस तरह की हिम्मत जो है, हाँ, इस तरह का साहस, हाँ, साहस के मतलब कह तो यही रहे हैं ना कि मिथ्या से मतलब बातिल से हक की पैदाइश होती है, ये कहने का मतलब तो बहुत बड़ी बात है कहने की। तो ये साहस जो है ये सामान्यतया नहीं मिलता है। तो अब ये हमारे
मतलब जो भारतीय साहित्यकार हैं जी, इस उर्दू फारसी के, इनकी यह एक अलग विशेषता है कि मतलब इसमें साहस बहुत है। तो जो इनके अतिरिक्त जो अन्य लेखक हुए हैं, जो ट्रेडिशनल हैं, उसमें ये है कि जो रेबेलियन है जी, वो भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चीज़ है। मतलब आपने शेख की निंदा कर दी, मस्जिद को बुरा कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही में शेख की निंदा कर रहे हैं। सही में कर रहे हैं या उसके कोई और मतलब नहीं है। वो हर एक का एक अलग शब्दकोश भी है जी, फरहंगे इस्तिलाहात जैसी चीजें उसको पढ़कर के इस्लाम जो है उसका कुफ्र मतलब वो ट्रांसलेट होता रहता है, सुनने वाले को ट्रांसलेट होता रहता है। और उस डिक्शनरी के नाते वो एक मतलब रेबेलियन इंस्टीट्यूशनलाइज रहता है। लेकिन उससे आप ये नहीं, मतलब जिस तरह की लाइन जैसे मान लीजिए गालिब का है कि अर्ज खमियाजे नशा चे इस्लाम चे कुफ्र, कजिए खत मिस्तर चे तबहुम सी यकीन, अर्ज खमियाजे एक नशा चे इस्लाम चे कुफ्र, कजिए यक खत मिस्तर चे तबहुम सी यकीन, किबलो अबरुए बुत एक रहे खाबीले शौक, किबलो अबरुए बुत एक रहे खाबीले शौक, काबाओ बुत कदा एक महमिले ख्वाबे संगी। तो इसकी जो मतलब एक मतलब यह इसमें जो मुझे चीज़ दिखाई पड़ती है वो एक अद्भुत साहस है, जिसमें कि आप बहुत सारी चीज़ों को सीधे मतलब चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, उसमें इस तरह का नहीं है कि मतलब, तो ये आपको जो प्रचलित दीवान है उसमें ये हज़रत अली की शान में एक कसीदा उन्होंने लिखा था, मनकबत का हिस्सा है ये उर्दू का, उर्दू के दीवान का, हालांकि इस ये प्योरली पर्शियन लाइंस हैं, ये उन्होंने जो पब्लिश किया हुआ है दीवान उसमें काटा हुआ है, हमीदिया नुस्खे वाले में मिलेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो एक मतलब पुशिंग टू द लिमिट है चीज़ों को उस हद के आगे भी ले जा सकने की हिम्मत, ये बिना अद्वैत के नहीं आ सकती है। हाँ, उसके उससे कहीं ना कहीं मतलब आपके किसी न किसी स्तर पर आपका परिचय होना चाहिए। ये हो सकता है कि गालिब को वाया बेदिल ही मिला हो। जहाँ से हमने बात शुरू की थी उसको और बढ़ाते हैं। उर्दू के बारे में जैसा कि आपके कहने से ये पता चला कि उर्दू को अगर हम पढ़े तो एक वो बहुत ही अच्छा दरवाजा खोलती है फारसी, करेक्ट, एक रोजन बाज करती है उसके लिए। तो उर्दू का भारतीय उपमहाद्वीप में या भारतीय समाज में उसकी उपस्थिति एक तो स्पष्ट रूप से इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि वो पूरे मध्य पूर्व के लिए, ईरान के लिए, ईरान की संस्कृति के लिए या फारसी के लिए जो कि हमारी एक सजातीय संस्कृति है उस तक हमारी दस्तरस को संभव बनाती है। इसके अलावा जो उर्दू की स्थिति है उसकी आवश्यकता जो है या उसका जो पोजीशन है भारतीय समाज में वो उसको किस तरह से आप इसके है? तो मतलब बहुत सारे मतलब ये बहुत सारे विचार हैं इस पर और बहुत सारी लंबी बातें हैं। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैंने इसको कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्यों मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँ, क्यों आपको ऐसा अनुभव हुआ क्यों कि यह हमें पढ़ना चाहिए, यह हमें पढ़ना चाहिए, तो ये चीज़ मैं बता सकता हूँ। तो क्योंकि मैं मतलब मैं जहाँ से बोल रहा हूँ तो मैं तो एक टोटल आउटसाइडर उर्दू के लिए था,
मतलब मैंने मेरे घर की कोई ज़बान नहीं है या मेरे आसपास भी ऐसे लोग नहीं थे, कुछ दोस्त होंगे ये मैं नहीं कहता, बचपन में भी क्योंकि मैं खैर कॉलेज में पढ़ता था वहाँ बहुत सारे हमारे उर्दू भाषी शिक्षक भी थे, मित्र भी थे, हमारे बस्ती का जो उर्दू भाषी समाज है उसका मुख्य केंद्र वो विद्यालय ही था। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि किसी भी तरह से उर्दू मेरी ज़बान है, अगर मैं बोलने की कोशिश करूँगा तो आज भी बहुत सारी गलतियाँ उसमें निकलेंगी। किसी शब्द का उच्चारण तो मैं शब्दकोश देख करके कर सकता हूँ, लेकिन मुहावरा, लेकिन ये मुहावरे यानी स्वाभाविकता तो नहीं आ सकती। हाँ, शब्द को ले आना बात अलग है। तो फिर ऐसा मैंने क्या समझ कर मैंने उर्दू को पढ़ा, तो मैंने जिस रूप में उर्दू को देखा है वो यही है कि यह एक मतलब हमारी भाषा का, हमारी जो भी भाषा, भाषा विज्ञान के स्तर पर शायद हिंदी और उर्दू एक ही होंगी, व्याकरण होगा, मूल एक होगा, लेकिन कल्चरल सिग्नेचर्स बिल्कुल भिन्न हैं। और ये इस अर्थ में मतलब भाषा को अगर हम केवल व्याकरण के आधार पर न जागें, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर ही न जाएं, केवल सिंटैक्स और उस पर न जाएं, तो हमें उसका एक जो कल्चरल डायमेंशन स्वीकार करना चाहिए। तो उस लिहाज से ये बिल्कुल भिन्न है। और जैसा आपने कहा एक दरवाज़ा खोलने की, तो यह केवल फारसी के लिए नहीं, हमारे अरबी के लिए भी शायद, अरबी के लिए भी शायद, और अरबी और फारसी के अलावा हमारे अपने भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके मतलब भीतर की बहुत सारी बातें इस उर्दू भाषा में मौजूद हैं। आप यह कह सकते हैं कि हम अपने पड़ोस, सिर्फ ईरान और अरब को जानने के लिए नहीं, हिंदुस्तान को जानने के लिए भी ये है। अब ये चीज़ जो है, लेकिन मैं मतलब मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ता कि यह आम आदमी की ज़बान है, मैं इसको शरफा और नजबा का एक जो क्लास है उसकी ज़बान मान करके ही पढ़ता हूँ। और यह जानने में मुझे मतलब उस साहित्य में, उस भाषा में, उस बोलचाल में बहुत, जैसे उसका फ़र्क बहुत पड़ जाता है। और अगर आप केवल मतलब सोशल लिंग्विस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो तिलिस्मे होशरबा जैसे मान लीजिए आज के 100 साल से ऊपर हो गए उस किताब को छपे हुए, तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे मुहावरे ऐसे हैं जो आजकल बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, उसका बोलचाल का लहजा अलग है। और उसके तो ये चीज़ें हमारी, मैं इनको एक संपत्ति के रूप में देखता हूँ। जैसे कि ये उसी तरह से आप इसे समझ सकते हैं जैसे कि ये मान लीजिए निश्चल दास जी का विचार सागर है। जी बिल्कुल, जो निश्चल दास का, हाँ, तो निश्चल दास जी का विचार सागर ये 19वीं सदी के शुरू में बिल्कुल लिखा गया था। अब उसकी भाषा हिंदी है, लेकिन वो आजकल उसके ऐसे संस्करण भी आ गए हैं, उन्होंने कहा भाई समकालीन हिंदी भाषा में उसको कर देते हैं, जबकि वो है हिंदी में, लेकिन वो इसी तरह से बोलते थे। और इसमें वह बहुत सारे मतलब अद्वैत के जो अधिक से अधिक, कठिन से कठिन और सूक्ष्म से सूक्ष्म उपदेश उसमें दिए हुए हैं। तो उस भाषा में क्या शक्तियाँ थी, लोग कैसे बोलते थे, क्या था उसका स्ट्रक्चर, क्या था ये चीज़ें उसमें, तो अब वो हमारी संपत्ति है या हमारा उत्तराधिकार है, बदल जाती हैं चीज़ें, ये बात अलग है। तो मैं इसको मतलब एक ख़जाने की तरह से ही मैंने इसको पढ़ा है, और एक मतलब
जिस भाषा में शायद हमारे जो पुरखे हैं, अजदाद हाँ, हैं, करेक्ट उनकी उनके ख्यालात, उनकी चीजें, उन्होंने जो अर्न किया है वो सारी सुरक्षित है। हाँ, और किसी भी प्राचीन साहित्य को जिस नाते महत्वपूर्ण माना जाता है, करेक्ट, उसके नाते उर्दू को पढ़ना। हाँ, जो भी मतलब हमारा भाषा का संबंध हमारे दाय से है, जी, जो हमारी वरासत से है, या मतलब जो भी हम अपने जैसे ही अपने पीछे देखते हैं, मतलब अब अगर इन उसको हम हटा दें, हम ये नहीं कह सकते कि इससे हमारा कुछ, तो वो चीज़ मौजूद है और वो वर्तमान समय में उसका क्या स्वरूप है ये भी हमें जो, तो इस तरह से आप यह कह सकते हैं कि यह एक मतलब एक कॉमन वॉल रखने वाले जी, दो मकान जी, हिंदी और उर्दू के हैं, इनको एक कर कहने की कोशिश करते हैं तो भी बहुत सारा भ्रम और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, भिन्न तो खैर सर्वथा है ही नहीं। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात और मध्यम मार्ग की बात की कि वो भाषिक संरचना की दृष्टि से तो एक हैं, लेकिन सांस्कृतिक संवेदनाएं उन दोनों में पर्याप्त भिन्न हैं, और जो भी भेद है वो आवश्यक नहीं है कि हमें अलग ही करे, वो हमें समृद्ध भी कर सकता है। नहीं नहीं, वो हमें समृद्ध करता है। लेकिन जो राजनीति होती है उर्दू और हिंदी को लेकर के दोनों ओर के लोग, वो राजनीति मेरे ख्याल से उर्दू और हिंदी को लेकर के उतनी नहीं है जी, वो मतलब बहुत सारा उसमें अज्ञान भी है, बहुत सारी शरारत भी है जी, और इन दोनों का वो मेल जोल है। इस चक्कर में मैं मतलब उर्दू के बहुत सारे समर्थक हैं जो उर्दू पढ़ते नहीं हैं जी, और सही, हाँ, सही, उनका उनको उसका कोई ज्ञान भी नहीं है, एक शेर ठीक से नहीं पढ़ सकते जी, जी, लेकिन हर जगह उसको वो उसमें ले आएंगे। इसी तरह से उर्दू हिंदी के वाले भी ऐसे ही हैं, हिंदी हिंदी वाले भी ऐसे ही हैं और उर्दू का कोई नहीं। मेरा इशारा अभी जो था जी, वो ऐसे लोगों का था जिनको उर्दू के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो केवल राजनीतिक रूप से यह उचित समझते हैं, जो आहत होने के लिए तैयार है कि उर्दू का समर्थन किया जाए जी, जी, तो अब उनको फिर ये नहीं मालूम कि मतलब कहाँ। अब वो अब उनसे पूछिए कि साहब आप नुक्ता क्यों नहीं लगा रहे यहाँ, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं नुक्ते की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर नुक्ते की ज़रूरत नहीं है तो फिर उर्दू क्यों पढ़ रहे हो, लिख क्यों रहे हैं, सही बात, या उर्दू क्यों पढ़ रहे हैं, उर्दू का शब्द आप चाहते क्यों हैं। जिस मूल से शब्दों को लिया उस मूल का कुछ तो पास रखना चाहिए, कुछ बिल्कुल सम्मान तो होना, और शब्द की बात ही नहीं है। जैसे मान लीजिए गालिब का एक शेर है कि ये जला है दिल वहाँ, क्या है वो, जला है जिसम जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जस्तजू क्या है। तो अब हिंदी के एक बहुत बड़े आलोचक, वो उर्दू प्रेमी के रूप में मशहूर, उन्होंने एक बार टेलीविज़न पर इसकी व्याख्या की कि देखिए अब ये गालिब जो हैं ये कितने मतलब समावेशी भाव के हैं, ये दाह संस्कार की बात कर रहे हैं, इजरा है जिसमें जहाँ दिल भीग गया होगा। अब उर्दू शायरी में किसी के जलने का कारण और उसका जो रूप है वो मतलब समझे बिना आप इसको ये कह रहे हैं कि चूँ मतलब ये जो शरीर के बाद जो दाह संस्कार होता है उसके, तो ऐसे तो फिर मतलब उर्दू उर्दू या फारसी तो नहीं पढ़ी जाती ना। सही बात है, केवल बाह्य अर्थों को लेकर के और अपने हाँ, अनुसार उनकी व्याख्या और करते हैं। बाह्य अर्थ क्या मतलब, वो तो अर्थ उसका है ही नहीं ना, वो तो कहीं कहीं उसका कोई संबंध ही नहीं है इन दोनों चीजों का, क्योंकि उर्दू को जाने बिना उर्दू का समर्थन, उर्दू को जाने करना, और इसी तरह से उर्दू को जाने बिना उर्दू का विरोध, उर्दू का विरोध, दोनों चीजें होती हैं। तो गाने जैसे कहते हैं, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमा क्यों हो, उसका आसमा क्यों हो। उर्दू के गेसुओं के लिए ऐसे शाने जो हैं वो बहुत ही खतरनाक भी हो सकते हैं उसके लिए।